रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में गया है। एनडीए की उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से शिकस्त दिया। आजसू पार्टी के प्रत्याशी की जीत की खुशी में एनडीए गठबंधन ने जमशेदपुर में जमकर रंग गुलाल उड़ाए और लड्डू बांटा। वैसे इस मौके पर आजसू पार्टी के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2024 का आगाज रामगढ़ विधानसभा का जो चुनाव हुआ और एनडीए जो प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी रही और उनका इतने अंतराल में जो जीत हुई है, इसके लिए एनडीए के तमाम नेतृत्वकर्ता कार्यकर्ता को धन्यवाद है। धन्यवाद रामगढ़ के तमाम सम्मानित आम मतदाता को। और इस जीत से आगामी 2024 का संकेत है। चूंकि वर्ष 2019 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन को राज्य के जनता ने जनादेश दिया था, चूंकि उन्होंने राज्य के जनता को झूठा आश्वासन दे करके जनादेश लेकर के जो 3 साल सरकार चलाई है, जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाया। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।